उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद हिंसा भड़क उठी थी। वहीं पुलिस अब हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बता दें कि इस हिंसा के मुख्य आरोपियों में शामिल सरफराज और तालीम की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा के आरोपी सरफराज और तालीम नेपाल भागने की फिराक में थे, हालांकि उससे पहले ही दोनों का सामना पुलिस से हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हैं। दरअसल आज सुबह ही पुलिस ने इस हिंसा में शामिल रहे एक और आरोपी दानिश उर्फ शाहिद को गिरफ्तार किया। दानिश भी नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। वहीं इस मामले में सरफराज का पिता अब्दुल हामिद भी मुख्य आरोपी है। वहीं इस बीच अब्दुल हामिद की बेटी रुखसार का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कई आरोप लगा रही है और सरकार से अपील भी कर रही है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिब की भी हत्या कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। महाराजगंज में जो 13-10 को बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पर पुलिस की टीम मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, क्योंकि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानतारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पर छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी, अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी पुलिस काम कर रही है, उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं जी। पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है, और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी, जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल होगी। बता दें कि जिस युवक की इस हिंसा के दौरान मौत हुई थी, उसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा था कि मृतक रामगोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गई थी और उनके साथ क्रूरता की गई थी। हालांकि अब बहराइच पुलिस की तरफ से इस मामले पर एक बयान सामने आया है। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे कंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, करंट लगने लेकर क्या वो खंडन कर, क्या क्या सच्चाई क्या है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु का कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, न ही भ्रामक सूचना फैलाएं। सर, क्या पैर के अंगूठों में चोट क्या पाई गई? क्या सेमो साहब ने बताया कि पैर के अंगूठों में चोट पाई गई जिससे नाखून निकल गया, या क्या हुआ, क्या है पूरा? जहां तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से है उसमें कहीं भी नाखून उखाड़ने जैसी कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है, और न ही तलवार वाली बात है, न ही करंट लगाने जैसी कोई बात उसमें पाई गई है। और ये पीएम रिपोर्ट भी ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि बहराइच में तनाव के बाद अब जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। बहराइच के हालात की अपडेट लगातार राजधानी लखनऊ से दी जा रही है। वहीं जब 15 अक्टूबर को बहराइच की एसपी बृंदा शुक्ला से इस मामले को लेकर बातचीत की गई थी तो उन्होंने क्या जानकारी दी थी, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ बृंदा शुक्ला जी हैं जो एसपी हैं, और खुद इन्होंने मोर्चा संभाल लिया जब इन्होंने देखा कि यहां पर बवाल बढ़ा। बृंदा शुक्ला जी को लगातार रिपोर्ट्स की जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो अखबार हो, लगातार उनके बारे में लिखा जा रहा है क्योंकि वो बेहद तेज तरार ऑफिसर मानी जाती हैं और योगी जी की फेवरेट ऑफिसर्स में से एक हैं। बृंदा शुक्ला जी, आज 10 साल के अपने करियर में एक ऐसा बवाल जिसको समेटना बहुत मुश्किल हो रहा था उसको उन्होंने काबू में किया। हमारे साथ बृंदा शुक्ला हैं। बृंदा जी, अभी फिलहाल ताज़ा स्थिति क्या है यहाँ के, वो जरा बताइए। जी, स्थिति अब बिल्कुल नियंत्रण में है, सभी जगह बिल्कुल शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, कोई भी अभी तनाव की भी स्थिति नहीं है, एकदम सामान्य जीवन है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हम क्योंकि घूम रहे हैं, देख रहे हैं सड़कों पर पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या ये समझें कि अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं या कुछ लोग डराने वाले हैं जिनको अभी आप लोगों को काबू करना है? नहीं, देखिए, जो डिप्लॉयमेंट है वो एहतियात के तौर पे किया गया है। एक सडन स्पर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हुआ है तो इसीलिए हम इतनी जल्दी कोई चांसेस नहीं ले सकते। एहतियात के तौर पे 3 से 4 दिन हम वॉचफुल रहना चाहते हैं। वैसे अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, एंड इफ ऑल स्टेज वेल वी विल विदड्रॉ द डिप्लॉयमेंट। बहराइच हिंसा से जुड़े करीब 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो हिंसा में शामिल कई उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।